हेलो, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल स्टडी फॉर आर्ट्स पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लेके आया हूँ क्लास टेंथ की एसएसटी का चैप्टर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल, जैसा कि आप यहाँ नाम देख पा रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। बोर्ड का एग्ज़ाम आपका काफ़ी ज़्यादा पास है और मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी रिवीजन वाली बात बताऊंगा। आई होप आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम बात करते हैं वो करते हैं राजनीतिक दल की। अच्छा देखो, दल होते क्या है? अगर मैं दल की बात करूँ तो कोई एक ऐसा समूह होता है, क्या होता है, लोगों का समूह होता है। अगर कोई मतलब दल बना लो तो दल मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है ना इंग्लिश में। अगर हम ग्रुप करें, ग्रुप इज अगर सिंपल सी भाषा है, ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, लोगों का समूह, ठीक है। अगर यहाँ पे इस दल की बात करूं तो इस दल का मतलब होता है पार्टी। क्या होता है बच्चों, पार्टी। क्या बच्चों होता है, पार्टी। इस दल का मतलब क्या होता है, पार्टी। अब जब इसके आगे क्या जुड़ गया बच्चों, राजनीतिक दल। तो राजनीति आपको पता है, राजनीति का मुख्य काम ही क्या है, सत्ता हासिल करना। क्या काम है बच्चों, मुख्य काम सत्ता को हासिल करना। क्या काम है बच्चों, सत्ता को हासिल करना। तो इस तरीके से जब ये राजनीतिक दल बनता है तो राजनीतिक दल, अगर हम यूं कहें कि वो लोगों का समूह जिसका उद्देश्य क्या है बच्चों, जिसका उद्देश्य सरकार का निर्माण और सत्ता हासिल करना। क्या बच्चों, सरकार का निर्माण और सत्ता हासिल करना क्या कहलाता है बच्चों, ये क्या कहलाएगा बच्चों, सरकार निर्माण और क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों, राजनीतिक दल कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्यों जरूरी है, देखो राजनीतिक दल में होता कौन कौन है। अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक दल मिलता कौन कौन है, कौन कौन चीज होते हैं और क्यों जरूरी है। देखो अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, कौन सा बच्चों, मैं लोकतांत्रिक बोलूं, लोकतांत्रिक मतलब जहां पे शासन लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। कौन करता है बच्चों, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। कौन बच्चों, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करें, वहां पे कौन होता है उसको लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। और हर लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। इसमें होता कौन कौन है, सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले होगा बच्चों नेता। कौन होगा, नेता। कौन होगा बच्चों, नेता होगा। नेता का काम क्या होता है कि जब भाषण भूषण देना, ठीक है, लोगों को उनको मोटिव करना, आगे करना, प्रोत्साहन पुरस्कृत करना, नीतियां निर्माण कराना, सरकार चलाना, ये सारी चीजें होती है ना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है बच्चों इसमें सक्रिय सदस्य। क्या, सक्रिय सदस्य। कौन बच्चों, सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं समर्थक। क्या होते हैं, समर्थक। अगर हम इंग्लिश में कहें बच्चों इसको तो सपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीडर कहते हैं और इसको एक्टिव मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव मेंबर्स कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आप लोगों को समझ में आया ना राजनीतिक दल किसे कहते हैं। अगर मैं कहूं बच्चों राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है जिसका उद्देश्य सरकार का निर्माण और सत्ता हासिल करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इस दल के काम क्या होते हैं, दल में कौन कौन महत्वपूर्ण होती है बच्चों, तीन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समर्थक, नेता और सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य इसको चलाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, नेता लीडर्स क्या करते हैं, लीड करते हैं, और समर्थक जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ काम आता है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले आपको राजनीतिक दलों का पहला कार्य बनाऊं तो क्या होता है, ये दल क्या करते हैं भैया, दल चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं दल। क्या करते हैं बच्चों, चुनाव लड़ते हैं।
चुनाव तुमने देखा होगा ना कि कई सारे के जब चुनाव होते हैं, हर चुनाव क्या होता है लोकसभा के, हर 5 साल में होता है बच्चों, ठीक है, मुख्यमंत्री क्या होता है बच्चों, 5 साल में होते हैं। तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक चुनाव में अपने उम्मीदवारों, क्या करते हैं बच्चों, अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, और वहां से क्या होती है, जनता इसको उम्मीदवार को क्या करती है, वोट देती है, और वोट होने के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, दम होते हैं, दलगत राजनीति कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या बच्चों, अगर मैं आपको दूसरा कार्य बताऊं तो दूसरा जो इनका काम है वो क्या है, दल क्या करते हैं, नीतियां, देखो बच्चों क्या है, देखो दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है राजनीतिक दलों का, वो क्या करते हैं, वो जो उनकी नीतियां होती हैं, कार्यक्रम होती हैं, उनको मतदाता के सामने रखते हैं ना। देखो जब चुनाव होते हैं तो कई सारे नेता क्या करते हैं, आपको वादा करते हैं ना कि आप हमें एक बार जिता दो, हम आपको स्कूटी देंगे, फोन देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, इन चीजों की कार्यक्रम की जब बात होती है तो बच्चों इनको क्या कहते हैं, ये नीतियां बनाते हैं, नीतियां अपने मतदाताओं के सामने रखते हैं ना कि एक बार हमें जिता दो, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, एक बार अगर मैं बता दे तो मैनिफेस्टो, यानी कि नीतियां बनाते हैं कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, हम आपके लिए एक काम करेंगे, हम आपके लिए सुविधाएं देंगे, ताकि ये लोग क्या कर सके, इनको वोट दे सके, क्या कर सके बच्चों, वोट दे सके, ठीक है। देश के लिए कौन कौन सी नीतियां, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे होंगी बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, आपको ऑल द बेस्ट। पेपर में 40 out of 40 लाने हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने आए हैं आपके, 40 out of 40 बच्चों, 40 out of 40 सारा वही आने वाला है जो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर से, और कुछ बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो पार्टी जो होती है, क्या बच्चों, पार्टी कानून निर्माण में बड़ी सहायक भूमिका निभाती है, किस चीज में बच्चों, कानून निर्माण में, किस चीज में, कानून निर्माण में, होता है क्या है कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है वो विधायिका में होती है ना बच्चों, होती है या नहीं होती, केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं हम, संसद कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और निभाती है, और क्या करती है कि जब कानून निर्माण होती है तो संसद के अंदर या फिर विधायिका के अंदर क्या होती है बच्चों, बहस होती है ना, होती है कि नहीं होती है, और जब बहस होती है तो जो दल के सदस्य होते हैं, जो संसद के यानी जो विधायिका के सदस्य होते हैं, वो कोई एक पार्टी के नहीं होते ना, अलग अलग पार्टी से होते हैं ना, और जब वो अलग अलग पार्टी से होते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि गलत फैसले, गलत कानून क्या नहीं होते, आते पास नहीं हो पाते बच्चों, क्या नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे तीसरा जो क्या है बच्चों, चौथा जो पहले आपको बता चुका हूँ, चौथा जो काम है वो है विपक्ष की भूमिका, क्या बच्चों, विपक्ष की भूमिका, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो तो जल्दी कमेंट करिए, और समझ पा रहे हो तो जल्दी जल्दी लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए, आगे जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोग सभी के लिए लाता रहूं, अदर अदर क्लास के भी मैं आप सभी के लिए चैनल पर बहुत कुछ करने वाला हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए बेल आइकन। देखो क्या होता है कि मान लो एक पार्टी है तो वो तो सत्ता पक्ष होगी, जिसको चुनाव में क्या मिलता है बच्चों, बहुमत मिलता है, तो उससे बहुमत मिल गया तो क्या हो गया, उसकी सरकार बन जाएगी ना, और उसका नेता क्या बनेगा, अगर सीएम का चुनाव है तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगर लोकसभा का चुनाव है तो कौन बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, लेकिन और भी तो दल होंगे, और जिसको इस दल से कम, जो सत्ता पक्ष में है उससे कम मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो विपक्ष में बैठेंगे, और विपक्ष में बच्चों उतनी बड़ी भूमिका होती है जितनी हमारे बॉडी में खून की जरूरत होती है, ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर मैं कहूँ विपक्षी भूमिका इतनी बड़ी होती है जितनी हमारी बॉडी में खून होता है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब इस विपक्षी दलों का काम क्या होता है, देखो विपक्षी दलों का काम क्या होगा, पहला सरकार की जो गलत नीतियां होंगी उनका विरोध करना, करना ना बच्चों, आलोचना करना,
क्या बच्चों? आलोचना करना, ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताता हूं दल के कार्य पांचवा। देखो क्या होता है कि सरकार क्या करती है, अपनी नीतियां और कार्यक्रम लागू रखती है। क्या करती है? कार्यक्रम चलाती है कल्याणकारी राज्य के लिए। किस चीज के लिए? कल्याणकारी राज्य के लिए। किस चीज के लिए बच्चों? कल्याणकारी राज्य के लिए। और जब वो कल्याणकारी राज्य के लिए चलाती है तो ये दल क्या करती है, उस सरकार की नीतियां को, सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को ये कहां पहुंचाती है? ये पहुंचाती है मेरे बच्चों मतदाताओं के पास। किसके पास? मतदाताओं के पास, कि हाँ कौन सी नीति क्या चल रही है आपके लिए, कौन सी है और कौन सी नहीं है। समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को? आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर बच्चों? आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छे जा रहे होंगे, आपका एक पेपर हो चुका है हिंदी का, सॉरी इंग्लिश का पेपर हो चुका है आपका। ठीक है बच्चों, ये कुल मैंने आपको काम बताया दलों के। सबसे पहले मैंने आपको काम बताया चुनाव लड़ना, सरकार की नीति और कार्यक्रम को शामिल लाना, कानून निर्माण में बड़ी भूमिका होती है विपक्ष की भूमिका, और सरकार की नीतियां को कार्यक्रम प्रणाली को चलाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमारे पक्ष में कौन है, एनडीए की सरकार है। एनडीए में सबसे ज्यादा रोल किसका है, हमारे केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा रोल किसका है, बीजेपी का। और बीजेपी के विपक्ष में कौन सी पार्टी है, कांग्रेस, और भी इसके अन्य सहयोगी दल। ये लोग क्या करते हैं, ये कोई पार्टी की जो बुलाते हैं तो इसकी आलोचना करते हैं ना, कोई कार्यक्रम होता है तो इनकी आलोचना करते हैं ना, कोई गलत कानून होता है तो उसका विरोध करते हैं संसद के अंदर। ऐसी क्या होता है, ऐसी हर विपक्षी पार्टियों का काम होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। ठीक है अब आते हैं राष्ट्रीय दल। क्या बच्चों? राष्ट्रीय दलों की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है, चुनाव आयोग। क्या बच्चों? चुनाव आयोग। इसकी स्थापना बच्चों 1950 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना बच्चों? 1950 में हुई थी, ठीक है? और हर राष्ट्रीय दल यानी हर दल को, राजनीतिक दल को अपना पंजीकरण कहाँ करवाना होता है बच्चों? पंजीकरण जो करवाना होता है वो चुनाव आयोग में करवाना होता है। और चुनाव आयोग इनको क्या देता है, कुछ विशेष सुविधाएं देता है। क्या देता है? विशेष सुविधा देता है। जैसे सबसे पहले क्या, एक तो चुनाव चिन्ह देता है। क्या देता है बच्चों? चुनाव चिन्ह देता है ना। ठीक है क्या देता है बच्चों? चुनाव चिन्ह देता है। और इस चुनाव चिन्ह का उपयोग पार्टी का, दल का आधिकारिक उम्मीदवार ही इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने बीजेपी का कमल का फूल देखा हो, कांग्रेस का हाथ का पंजा, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, ये मान्यता प्राप्त दल है। इनको क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। और चुनाव के टाइम पे इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है। क्लियर? आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है अब बात आते हैं कि दल चुनाव आयोग में कितने तरीके के होते हैं। चुनाव आयोग में दल तीन तरीके से होते हैं। पहला राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और एक गैर मान्यता प्राप्त दल। क्या होता है? गैर मान्यता प्राप्त और गैर पंजीकरण। भारत के अंदर लगभग 7 राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों की कमी नहीं है भारत के अंदर लगभग, ठीक है? और इनकी तो गैर मान्यता प्राप्त दलों की कोई कमी नहीं है। तो देखो राष्ट्रीय दल कब बनता है? देखो बच्चों राष्ट्रीय चीज, उसने 4 विधानसभा के चुनाव लड़े हो 4 राज्यों की, और उसमें 6% वोट मिला। कितना बच्चों? 6%। दूसरा उनको लोकसभा में
लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त हुई हो। कितनी? 4 सीटें प्राप्त हुई हो। क्या हुई बच्चों? 4 सीटें जीत प्राप्त करी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको राष्ट्रीय दल की उपाधि दे देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? राष्ट्रीय दल की उपाधि दे देते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल या राज्य दल किसे कहते हैं बच्चों? अगर मैं क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल की बात करूं तो क्षेत्रीय दल या रीजनल पार्टीज उन पार्टीज को कहते हैं जो विधानसभा में पड़े वोट का 6% प्राप्त किया हो। कितना बच्चों? 6% प्राप्त कराओ, 6%। और दूसरा, कम से कम उन्होंने कितनी? कम से कम उस विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 2 सीटें प्राप्त की हो। कितनी बच्चों? 2 सीटें प्राप्त करी हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय या राजनीतिक दल कहते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। फिर आता है बच्चों आपका गैर मान्यता प्राप्त दल, जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन सीटें मिलती है नहीं मिलती है, और राज पंजीकरण कराया है नहीं कराया, ठीक है। ये चीज क्लियर, ठीक है। चलिए हम इसके एग्जांपल बता देते हैं आपको क्षेत्रीय दलों की, जैसे कि समाजवादी पार्टी, ठीक है, शिवसेना, अकाली दल। अगर मैं राष्ट्रीय दलों के आपको बताऊं एग्जांपल, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एआईसी, ऑल इंडिया कांग्रेस, सब जानते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है बच्चों। ये राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल यानी राज्य दलों के एग्जांपल थे। आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? जल्दी लाइक से या सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बच्चों आप सभी का कांग्रेस, यानी कि राष्ट्रीय दल का सबसे पार्ट है कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी दलों में से एक है। चलिए हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। ऑल इंडिया कांग्रेस, आप इस कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देख सकते हैं। क्या बच्चों? चुनाव चिन्ह। इसकी स्थापना बच्चों 1885 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1885, याद रखना, 1885 में हुई थी, ठीक है। कई दशकों तक इसने राज कराया। एक मुहावरा है ना, 70 साल कांग्रेस पार्टी रही है शासन में, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार गठबंधन की राजनीति भी रही है, ठीक है। इसने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों का गठन करा है। 1952 से लेकर 1977 तक केंद्र में सरकार रही है। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 केंद्र में सरकार रही है। उसके बाद यूपीए के साथ गठबंधन करके इनकी सरकार रही है, ठीक है। विश्व के सबसे पुराने, क्या बच्चों? सबसे पुराने दलों में से एक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व के सबसे पुराने दलों में से एक है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 1989 के बाद इसके जन समर्थन में कमी आई है। 2014 और 2019 के इलेक्शन में इसको लगभग बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है बच्चों। ये क्या था? ये सबसे पहला हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस राष्ट्रीय दल था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगला जो है वो भारतीय जनता पार्टी बच्चों। आप देख पा रहे हो ये चुनाव चिन्ह, कमल का फूल, और ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ भारतीय जनसंघ में हम देख सकते हैं, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। क्लियर? क्या थी शुरुआत के दौर पे? इसकी शुरुआत के दौर पे में जन समर्थन की कमी थी। क्या थी बच्चों? जन समर्थन की कमी थी। लेकिन हुआ क्या कि ये इसकी विचारधारा जो थी वो विशेष राज्य के दर्जे के खिलाफ थी। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को हमने क्या दे रखा था? विशेष राज्य। और समान नागरिक संहिता, क्या बच्चों? समान नागरिक संहिता।
इसके संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, हुआ क्या कि 1990 के बाद इसमें व्यापक समर्थन देखने को मिला और गठबंधन कर लेती है एनडीए के साथ। क्या कर लेती है? एनडीए। और एनडीए का नाम है पूरा बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन। और पहली सरकार राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन बच्चों, और अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो एनडीए की ही चल रही है। 2014 में बनी थी एक, और 2014 से 2019 और 2019 से अभी तक, है ना। सबसे पहले बीजेपी से जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर बच्चों, ये बीजेपी है, और 300 प्लस से ज्यादा इन्होंने क्या करी है, सीटें जीती थी एनडीए की गवर्नमेंट में। हाथी मेरा साथी, ठीक। बी स्टैंड फॉर बहुजन समाज पार्टी। ये जो पार्टी बनी थी ये बनी थी 1984 में, और संस्थापक थे स्वर्गीय कांसीराम। कौन थे बच्चों? कांसीराम, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और इस व्यक्ति ने जो मुद्दा उठाया था, जिस ग्रुप के लिए एक तरीके से करें तो ये दलित वर्ग के लिए इन्होंने अपने आप को रखा कि दलित वर्ग के लिए हम करेंगे काम। ठीक है, अल्पसंख्यक आदिवासी, इन सारे क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी पार्टी रही है, बहुत अच्छे काम करे, लेकिन कई बार इनकी जो मुख्यमंत्री थी, यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, कई बार बन चुकी है, मायावती जी, उन पर कई बार एलिगेशन लगाया करप्शन का, कई बार लगता भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो भारतीय राजनीति की रीत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो बेसिकली इसका है कहाँ कहाँ, इसका यूपी में देखने को मिलती है हमें, दिल्ली में देखने को मिलती है, एमपी के अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद हमें छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन इसको 2014 के इलेक्शन में 4% सीट वोट मिले थे और एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि लोकसभा के अंदर इस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन हाँ, यूपी के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रही है, स्ट्रांग रही है। मायावती जी कार्यकाल पूरा किया उन्होंने, रही है वो किस चीज़ के पद पे, मुख्यमंत्री के पद पे। ठीक है बच्चों, आगे चलते, अभी नाम सुना होगा एनसीपी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और ये हमें देखने को ज़्यादातर बॉम्बे को देखने को मिलती है। कहाँ पे? बॉम्बे में। एक कांग्रेस पार्टी के विभाजन से निकली थी और 1999 इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसकी विचारधारा है कि जो भारत के अंदर पद है, प्रमुख पद सॉरी, उसमें आरक्षण मिले। आरक्षण किसमें मिले? उन व्यक्ति को, वो नागरिक जिनका बर्थ इंडिया के अंदर ही हुआ, यानी कि इंडिया के अंदर ही क्या हुआ, वो बच्चे जन्म मिले तुमने। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है पार्टी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और महाराष्ट्र में भागीदारी रही है कांग्रेस के साथ, और इसने 2014 के इलेक्शन में यूपीए स्टैंड फॉर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसके साथ भागीदारी करी थी, चुनाव लड़ा था लेकिन अलायंस गठबंधन करके। ठीक है बच्चों, ये कुछ हमारी राष्ट्रीय पार्टियां थी जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा। देखो बच्चों, क्षेत्रीय दल की मैं बात करूं, अगर मैं क्षेत्रीय दल की बात करूं तो आपको पता है कि मैंने बताई कुछ पार्टियां बताई, लेकिन 7 राष्ट्रीय पार्टी के अलावा उन सबको क्षेत्रीय
या राज्य दल कहते हैं, इनकी कोई विचारधारा तो नहीं है, ये अपने क्षेत्र या अपने राज्य तक सीमित तो नहीं रहती, अलग अलग राज्य तक पहुंच है, काम करती रहती है, लेकिन राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई। लेकिन हुआ क्या, 1990 के दशक से, क्या बच्चों, 1990 के दशक से क्षेत्रीय दलों में काफी ज्यादा उभार आया, लोगों ने जानना स्टार्ट करा है क्षेत्रीय दलों, ठीक है। 1990 के दशक में किसी भी सदल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो उन्होंने गठबंधन स्टार्ट करा किसके साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ, जैसे कि समाजवादी पार्टी, शिवसेना, ठीक है, अकाली दल, बीजू जनता दल, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, ये चीजें यहां पर थी। और जब क्षेत्रीय दल का हुआ तो भारतीय लोकतंत्र में सहभागिता बढ़नी स्टार्ट हुई, ठीक है। लालू जी की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय दल थी एक तरीके से, इन दलों को भी लोगों ने जानना स्टार्ट करा, इन दलों को भी सरकार की नीतियों में, सरकार बनाने में बहुत ज्यादा योगदान मिला, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों से, बच्चों कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की राजनीति, किसकी, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी राजनीति शुरू हुई, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, ठीक। ये बेटा क्षेत्रीय दल थे, कोई ज्यादा खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, और जो चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं आपको कुछ बात बताऊं तो सबसे पहले चुनौती कौन सी है, देखो सबसे पहले जो चुनौती है वो है बच्चे वंशवाद की, कौन सी, बच्चे वंशवाद, वंशवाद मतलब अगर पिताजी राजनीति में है तो उसका बेटा भी क्या जाएगा, बच्चा राजनीति में ही जाएगा, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक ही परिवार, यानी कि अगर मैं इसको वंशवाद कहूं या परिवार, वंशवाद कहूं बच्चों या परिवारवाद कहूं, तो बात एक ही है, ठीक है। क्या होता है कि इसमें दूसरों बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता बच्चों, दूसरों को भी मौका नहीं मिल पाता, जिससे इनमें चलता रहता है। दूसरा बच्चों, यहां पे जो चुनौती है वो है आंतरिक लोकतंत्र की, किसकी बच्चों, आंतरिक लोकतंत्र की, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इस आंतरिक लोकतंत्र में क्या होता है कि बच्चों देखो, जैसे क्या होता है कि कुछ नई पद होता है, जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री का पद किसे चुनना है, तो लोग अंदर के नेताओं को चुनना चाहिए ना, लेकिन कई बार होता है क्या है कि मान लो अध्यक्ष का पद मान लेते हैं, तो अध्यक्ष का पद कोई जो अध्यक्ष होता है वो अपने करीब को ही बना देता है अगले, क्योंकि आंतरिक मैटरों से इनको क्या नहीं होता, चुनाव नहीं होता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि भैया क्या हो रहा है, किसी को, बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगला कदम क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा, यहां पर भारतीय राजनीतिक दलों में कई सारे जो मौका होते हैं, जो दल होते हैं, वो अपराधियों को भी क्या देते हैं, अपनी पार्टी में जगा देते हैं, अपनी पार्टियों में चुनाव लड़वाते हैं, और वो संसद तक या विधानसभा तक उनको पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से काम तो वो करते नहीं बल्कि अपराधीकरण ज्यादा होने लगते हैं। ये कुछ राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला है कि इनको हम सुधार कैसे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही भारत की कानून बनाए गए हैं, दल बदल कानून, क्या बनाया गया बच्चों, दल बदल कानून, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, यानी कि इस कानून के में आप किसी एक दल से जीतते हो तो आप दूसरे दल में जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते,
अगर आप जाते हो तो आपकी उस सदन की सदस्यता खत्म कर दी जा सकती है और आपको चुनाव लड़ने पर भी बैन लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों, आंतरिक कामों पे, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामों पे, किस पे बच्चों, क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी काम करें लोगों को बता के करना चाहिए, अपने सदस्यों को बताकर करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो जो बच्चे जो चुनाव है वो है अपराधी, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, क्या बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो उनको राजनीति में आने से क्या लगाई जाए, रोक लगनी चाहिए बच्चों, उनको बैन लगना चाहिए, वो चुनाव ना लड़ सके, ना ही चुनाव में करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, दूसरा जो अगली जो सुधार है वो है बच्चों सुधार के लिए महिलाओं के लिए, क्या बच्चों महिलाओं के लिए सीट आरक्षण करनी चाहिए। ठीक है, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, अगर चुनाव का खर्च सरकार उठाएगी तो एक लिमिट में पैसा खर्च होगा, नहीं तो अभी तो पता ही है ना अंधाधुन पैसे खर्च करने दे जाते हैं, ये चीज है। ठीक है, अभी क्या गए हैं, हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं कि आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, अपराधों का ब्यौरा देना होना चाहिए, होना देना होगा कि आपने के ऊपर कितने अपराध चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुझाव हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी फॉर आर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, लव यू आप सभी को बहुत सारा, मेरा ढेर सारा, आप मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, आप शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। आप लोग अच्छा एग्जाम करो, स्कोर अच्छा करो, वेल स्कोर करो और मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हो study4arts@gmail.com। आप अपने क्वेश्चन आंसर जो भी आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप भेज दीजिए, आपको पूरे से पूरा सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए, स्कोर अच्छा करते रहिए, टेंशन मत लीजिएगा, आपके अपने भैया आकाश भी आपके साथ हैं।